जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन साल 2025 में अपनी फिल्म वॉर 2 के साथ सिनेमाघरों में वापसी करने वाले हैं और आते ही ये बॉक्स ऑफिस के सारे बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। लेकिन लगभग एक साल बाद मतलब 2026 में इनकी एक ऐसी फिल्म आने वाली जो कि इंडियन सिनेमा में कई बड़े रिकॉर्ड बनाते हुए इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनके करियर के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो एक्शन फिल्म क्रिश 4 के बारे में। तो अगर आप भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग के बारे में कि फिल्म की शूटिंग कब तक शुरू होने वाली है और ये फिल्म कब तक सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है और फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाई थी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनाया जाएगा, जिसके लीड रोल में हमें सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ साथ इंडियन सिनेमा के एक और बड़े सुपरस्टार नजर आने वाले हैं, जिनका की नाम काफी जल्दी बाहर आने वाला है। लेकिन अगर बात करें फिल्म की शूटिंग के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन हाल ही में अपनी फिल्म वॉर 2 की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे फिल्म वॉर 2 की शूटिंग खत्म हो जाएगी, सुपरस्टार ऋतिक रोशन फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर सोर्सेस के माने जाए तो बताया जा रहा है कि नवंबर में फिल्म वॉर 2 की शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी 2025 में फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग शुरू हो जाएगी और ये फिल्म हमें 2026 में सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर बात करें कि ये फिल्म इतने लंबे समय से फ्लोर पर क्यों नहीं आ पा रही, तो बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रिप्ट तो काफी पहले फाइनल हो चुकी थी, लेकिन फिल्म का बजट का इशू चल रहा था जिसके चलते फिल्म अभी तक फ्लोर पर नहीं आ पा रही थी। जी हाँ, फिल्म को बनाने के लिए लगभग 500 से 600 करोड़ का खर्चा लगने वाला है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर बजट के चलते फिल्म को डिले कर रहे थे। लेकिन फाइनली बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट भी फाइनल हो चुका है और फिल्म अब काफी जल्दी फ्लोर पर आने वाली है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म आते ही सिनेमाघरों में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि फिल्म का हाइप काफी बेहतरीन देखा जा रहा है। जी हाँ, फिल्म की शूटिंग भी अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन फिल्म को बुकमाईशो पे लगभग 32,200 इंटरेस्ट मिल चुके हैं, जिससे आप सभी फिल्म के हाइप का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी को क्या लगता है, ये फिल्म अपने पहले दिन कितने करोड़ की ओपनिंग दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से ले पाएगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करो।